आई स्ट्रक एट वॉट एट द वॉटर एज आई वेंट ऑन. जैसे जैसे मैं नीचे गया मैं पानी पर प्रहार करता गया. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी. एज वन जैसा कोई करता है इन ए नाइट मेयर फाइट्स रात के दूरा सपने में. एंड इरेजिस्टेबल फोर्स जैसे कोई इरेजिस्टेबल फोर्स को ताकत को भगाता है यानी कि ऐसी ताकत जिसका सामना नहीं कर सकता उसको भगाता है. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ मेरी सारी सांस खो चुकी थी. माई लंग्स एक्ड मेरे फेफड़ों में दर्द हो चुका था. माई हेड सोब्ड मेरा सिर चकरा गया. आई वॉज गेटिंग डिजी मुझे चक्कर आने लग रहे थे. बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी लेकिन एक चीज़ मुझे याद थी स्ट्रेटेजी रणनीति मुझे याद थी. आई वुड्स क्या रणनीति थी. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम मैथ ऑफ द बुल मैं तालाब की तली में से छलांग लगाऊंगा. एंड कम लाइक अ कॉर्क और कॉर्क की तरह आ जाऊंगा कहाँ पर टू द सरफेस सतह पर. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वॉटर मैं पानी के ऊपर समतल लेट जाऊंगा. स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स अपने हाथों से पानी को टकराऊंगा. एंड थ्रैश विद माई लेग्स और अपनी टांगों से पानी पर प्रहार करूंगा. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल और तब मैं तालाब की सतह पर आ जाऊंगा. एंड बी सेफ और सुरक्षित रह जाऊंगा. आई वेंट डाउन एंडलेसली मैं नीचे जाता गया ना जाता गया नीचे एंडलेसली अंतहीन. आई ओपन्ड माई आइज मैंने अपनी आंखें खोली. नथिंग कुछ नहीं था बट वाटर सिवाय पानी के. विद अ येलो ग्लो जिसमें पीली चमक थी. डार्क वाटर गहरा पानी दैट वन कुड नॉट सी थ्रू जिसके आर पर कोई नहीं देख सकता था. एंड देन ए शीयर स्टार्क टेरर सीज़ मी तब एक बहुत ज़्यादा स्टार्क कंप्लीट पूर्णतया जो डर ने मुझे घेर लिया. टेरर डर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग जिसे कोई समझ नहीं आती थी. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल डर जिस पे कोई नियंत्रण नहीं जिसको कोई नियंत्रण नहीं आता था. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड वो डर जिसको कोई नहीं समझ सकता था. हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंसड इट जिसने इस चीज़ का अनुभव इस सिचुएशन का अनुभव ना किया हो. आई वॉज शेकिंग अंडर वाटर मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था. आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर मैं पानी के नीचे मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे लकवा लग गया. स्टिफ रिजिड विद फियर मैं डर के मारे यानी अकड़ा हुआ था और कठोर था. इवन द स्ट्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन यहाँ तक कि मेरे गले में जो चिल्लाहटें थी वो भी जम गई. ओनली माई हार्ट सिर्फ मेरा दिल एंड पाउंडिंग इन माई हेड और मेरे सिर में जो धड़कन थी सैड वो कह रही थी दैट आई वॉज स्टिल अलाइव मैं अभी भी जिंदा हूँ. एंड देन और तब इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर डर के बीच में केम अ टच ऑफ रीजन एक रीजन की वजह आई एक रीजन का टच छुअन आई. आई मस्ट रिमेंबर मुझे याद रखना चाहिए टू जम्प कि मुझे जंप करना है. वैन आई हिट द बॉटम जब मैं तली से टकराऊंगा. एट लास्ट आखिर में आई फेल्ट मैंने महसूस किया द टायर्स टाइलों को अंडर मी मेरे नीचे. माई टूज रीज्ड आउट जो मेरे पैरों की उंगलियां थी रीज्ड आउट वो पहुंच गई एज इफ मानो कि टू ग्रैब देम मानो कि उन्हें पकड़ना चाहती है. आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड मैं पूरी ताकत के साथ वहां से कूद गया जो मेरे अंदर ताकत बची थी उस पूरी ताकत के साथ वहां से कूद गया. बट द जम्प मेड नो डिफरेंस लेकिन इस कूद ने कोई फर्क नहीं किया. द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था. आई लुक्ड फॉर रोप्स लैडर्स मैं तलाशने लगा रस्सियों को सीढ़ियों को वाटर विंग्स पानी के पंखों को उनको देखने लगा. नथिंग बट वाटर कुछ नहीं हाथ में आया सिवाय पानी के. ए मास ऑफ एक ढेर था पीले पानी का हेल्ड मी जो मुझे पकड़ा हुआ था. स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी जो एक कंप्लीट टेरर था डर था उसने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया. लाइक अ ग्रेट चार्ज जैसे कोई बिजली पकड़ती है. आई शुक मैं कांप उठा एंड ट्रेम्बल्ड मैं कांप उठा विद फ्राइट और डर के मारे. माई आर्म्स वुडंट मूव मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे. माई लेग्स वुडंट मूव मेरी टांगें नहीं रही थी. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प मैंने कोशिश की मदद के लिए पुकारने के लिए टू कॉल फॉर मदर माँ के लिए पुकारने के लिए. नथिंग हैपेंड लेकिन कुछ नहीं हुआ. एंड देन स्ट्रेंजली और तब अजीब तरीके से देयर वॉज द लाइट वहाँ पर एक रोशनी आ गई. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर मैं पानी से उस डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था. एट लीस्ट माई आईज वर कम से कम मेरी आँखें तो बाहर आ रही थी. My nose was almost out too. मेरी नाक भी लगभग पानी से बाहर थी. Then I started down a third time. तब मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिया.
आई सक्ड फॉर एयर, मैं पानी हवा लेना चाहता था, एंड गोट वाटर, लेकिन हवा के बदले मुझे क्या मिला, पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो पीली रोशनी थी वो जाने लगी यानी बुझने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, मेरे सारे प्रयास रुक गए। आई रिलैक्स्ड, मैंने रिलैक्स किया, मैंने आराम फील किया। इवन माई लेग्स लेफ्ट फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरी जो टांगें थी उनके अंदर भी लंगड़ापन महसूस मैं कर रहा था। एंड ब्लैकनेस, और कालापन स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग के ऊपर से कालापन फैल गया यानी कि कालापन छा गया। इट वाइप्ड आउट माई फियर, इस कालेपन ने मेरा जो डर था उसको धो दिया यानी कि मेरे डर को दूर कर दिया। इट वाइप्ड आउट एयर, इसने मेरे डर को दूर कर दिया। देर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट, अब बिल्कुल शांत था। एंड पीसफुल, अब चारों तरफ शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कोई भी चीज़ घबराने की नहीं थी। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा लगा। टू बी ड्राउजी, नींद में जाना। टू गो टू स्लीप, यानी कि नींद में चले जाना। एंड नो नीड टू जंप, यहाँ पर आपको जंप करने की जरूरत नहीं है। टू ट्राइड टू जंप, मैं बहुत थक चुका था जंप करते करते। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, ये अच्छा लग रहा था कि जो लहरें थी मुझे बहा कर ले जा रही थी। टू फ्लोट, तैरना अलोंग इन स्पेस, खुली हवा में अंतरिक्ष में तैरना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों तरफ कोमल बाजुएं थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, कोमल बाजू जैसी माँ की बाजुएं होती हैं। नाउ अब आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए था। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, मैं भूले की अवस्था को पार कर गया। एंड कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जिंदगी का पर्दा गिर गया यानी कि मैं मर गया। द नेक्स्ट, अगली बार, आई रिमेंबर, मुझे याद आता है। आई वॉज लाइंग, मैं लेटा हुआ था। ऑन माई स्टमक, अपने पेट के बल। बिसाइड द पूल, पूल के किनारे। वॉमिटिंग, उल्टियाँ करते हुए। द चैप दैट थ्रू मी इन, वो लड़का जिसने मुझे अंदर फेंका था, वो कह रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सैड, किसी ने कहा। द किड नियरली डाइड, ये बच्चा लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब ये बिल्कुल ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, आओ इसे ले चलें लोकर रूम के पास। सेल और लेटर, कई घंटों के बाद। आई वॉक्ड होम, मैं घर चलने लगा। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर फील कर रहा था। एंड ट्रेमलिंग, और मैं कांप रहा था। आई शूक, मैं कांप उठा। एंड क्राइड, और चिल्ला उठा। व्हेन आई ले ऑन माय बेड, जब मैं अपने बेड पर लेटने लगा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैं कुछ नहीं खा सका। फोर डेज ए हॉन्टिंग फियर, कई दिनों तक एक डरावने वाला डर, एक भूतिया डर, वॉज इन माई हार्ट, वो मेरे दिल में आ गया। द स्लाइटेस्ट, थोड़ी सी भी जो एग्जर्शन थी, जो फिजिकल जो एग्जर्शन थी, जो फिजिकल जो फिजिक्स थी, थोड़ी सी भी जो दौड़ धूप थी, अपसेट में, वो मुझे तंग कर देती, परेशान कर देती। मेकिंग मी वॉबली, वो मुझे लड़खड़ा देती। इन माई नीज, मैं अपने टखनों के बल यानी कि लड़खड़ा लगता। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट, मुझे उकलाई आने लगती यानी कि मेरा पेट बीमार पड़ जाता। थोड़ी सी भी जो दौड़ धूप करता उससे ये अपने घुटनों पे लंगड़ाने लगता, और थोड़ी उसमें पेट के अंदर उफार आने लगता यानी कि इसको उकलाई लग जाती। आई नेवर वेंट बैक टू दैट पूल, मैं उस तालाब के पास कभी नहीं गया। आई फेयर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लग रहा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैं पानी को अवॉइड कर देता जब मैं इसको कर सकता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद। वेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ कैस्केड्स, जब मुझे कैस्केड्स के लहरों के बारे में पता लगा। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं उस पानी के अंदर जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी मैंने ऐसा किया। वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, या जब कभी मैं टाइटन या बम्पिंग रिवर के अंदर चल रहा होता और बाथिंग या स्नान कर रहा होता। इन वॉर्म लेक, गर्म पानी की झील में। ऑफ द गोट रॉक्स चट्टानों के अंदर। द टेरर, वो जो डर था। दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, जिसने मुझे तालाब में पकड़ लिया था। वुड कम बैक, वो वापस आ जाता। आई वुड टेक इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कम्प्लीटली, ये मुझे पूरी तरह से पकड़ लेता, घेर लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरी जो टांगें थी पूरी तरह से पैरालाइज लग जाता। आई सी हॉरर, बर्फीला जो डर था। वुड ग्रैब माई हार्ट, वो मेरे दिल को पकड़ लेता। दिस हैंडी कैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए ये हैंडी कैप मेरे साथ ही रहा, ये अपंगता मेरे साथ ही रही, ये डर मेरे साथ ही रहा। इन कैनोज
चाहे वो नौकाएं हों ऑन मेन लेक्स, चाहे मेन लेक्स के ऊपर फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन यानी कि घिरी हुई सैल्मन मछलियों को पकड़ते हुए, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर या न्यू हैम्पशायर में बास फिशिंग यानी कि बास मछलियों को पकड़ते हुए, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेश्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, ओरेगन के अंदर मेटोलियस में या डेश्यूट्स में ट्राउट मछलियों को पकड़ते हुए, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलम्बिया एट बम्पिंग लेक इन कैस्केड्स, कैस्केड्स में बम्पिंग लेक के ऊपर कोलम्बिया में सैल्मन मछलियों को पकड़ते हुए, वेयर एवर आई वेंट जहाँ कहीं भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ये जो डर था भूतिया डर था वो वाटर पानी का फॉलोड मी ये मेरे पीछे आता गया, इट रुइंड माई फिशिंग ट्रिप्स इसने बर्बाद कर दी मेरी जो मछली पकड़ने वाली यात्राएं थी उनको, डिप्राइव मुझे वंचित कर दिया ऑफ द जॉय उस खुशी से, ऑफ कैनोइंग नौकायन बोटिंग नौकायन एंड स्विमिंग और तैराकी की खुशी से मुझे वंचित कर दिया, आई यूज्ड एवरी वे मैंने हर तरीके का इस्तेमाल किया, आई न्यू जो मैं जानता था टू ओवरकम दिस फियर इस डर को काबू पाने के लिए, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप लेकिन इसने अपने पंजे मुझे काफ़ी ताकत से पकड़ रखा, फाइनली आखिर में 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया टू गेट एन इंस्ट्रक्टर कि मैं एक इंस्ट्रक्टर हायर करूँगा एंड लर्न टू स्विम और तैरना सीख जाऊँगा, आई वेंट टू अ पूल मैं पूल के पास गया एंड प्रैक्टिस्ड फॉर सेवरल डेज, प्रैक्टिस 5 डेज अ वीक और हफ्ते में 5 दिन की प्रैक्टिस करने लगा एंड और इस डे हर रोज 1 घंटा, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी जो इंस्ट्रक्टर था सिखाने वाला था उसने मेरे चारों तरफ बेल्ट डाल दी, ए रोप अटैच टू द बेल्ट एक रस्सी जो बेल्ट से अटैच जोड़ी गई थी, वेंट थ्रू अ पोली वो पोली के चारों तरफ गई, दैट रैन ऑन एन ओवर हेड केबल जो ऊपर की जो रस्सी थी उसके ऊपर से जा रही थी, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप उसने रस्सी का एक सिरा पकड़ा, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ हम पीछे और आगे जाने लगे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल यानी कि तालाब के आर पार आगे और पीछे होने लगे, और आफ्टर और घंटों दर घंटे, डे आफ्टर डे दिन बाय दिन, वीक आफ्टर वीक सप्ताह दर सप्ताह हम आगे पीछे उसमें पुल तालाब में होने लगे, ऑन ईस्ट ट्रिप हर यात्रा पर अक्रॉस द पुल पुल के आर पार जाने पर ए बिट ऑफ द पैनिक थोड़ा सा जो डर था सीज में वो मुझे पकड़ लेता, इस टाइम हर बार द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप जैसे इंस्ट्रक्टर अपना जो होल्ड जो पकड़ था रस्सी पे हल्का करता, आई वेंट अंडर मैं नीचे चला जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर कुछ पुराना डर रिटर्न वो लौट आता, एंड माई लेग्स फोर्स और मेरी टांगें जमने लगती, इट वॉज 3 मंथ्स बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक ये 3 महीने था कि जो तनाव था वो कम होने लगा, देन ही टोट मी तब उसने मुझे सिखाया टू पुट माई फेस कि कैसे मैं अपना चेहरा अंडर द वाटर पानी के नीचे करूं एंड एक्सेल और सांस लूं, एक्सेल सांस छोड़ना एंड टू रेज माई नोज अपने नाक को कैसे उठाऊं एंड इनहेल और सांस को कैसे लूं, आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम मैंने ये एक्सरसाइज सैकड़ों बार ट्राई की, पानी के अंदर कैसे सांस लेना है और पानी के बाहर कैसे सांस छोड़ना है, बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक मैं डर को छोड़ता गया, दैट सीज मी वो डर जिसने मुझे पकड़ लिया था, व्हेन माय हेड जब मेरा सिर होता एंड वेंट अंडर वाटर जब मेरा सिर पानी के नीचे जाता, वैसे जैसे वो डर मुझे आ जाता उस डर को मैंने धीरे धीरे छोड़ दिया, नेक्स्ट अगली बार ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल अगली बार उसने मुझे तालाब के एक साइड में पकड़ा एंड हेड मी किक विद माय लेग्स और मुझसे अपनी टांगों से किक करवाई यानी लात लगवाई, 4 वीक्स हफ्तों तक आई डिड जस्ट डैट मैंने वैसा ही किया, एट फर्स्ट सबसे पहले माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क मेरी टांगों ने ऐसा काम करने से मना कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगी यानी एंड फाइनली और आखिर में आई कुड कमांड देम मैं उन्हें आदेश दे सकता था, दस इस प्रकार पीस बाय पीस टुकड़ों दर टुकड़ों ही बिल्ट अ स्विमर उसने एक तलाक बना दिया, एंड व्हेन ही हैड प्रैक्टिस्ड ईच पीस परफेक्टेड ईच पीस जब उसने हर टुकड़ा परफेक्ट कर लिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेट होल उसने इन सभी टुकड़ों को इकट्ठा कर दिया एक पूरा तलाक बनाने के लिए, इन अप्रैल में ही सेड उसने कहा ना यू कैन स्विम अब तुम तैर सकती हो, डाइव ऑफ गोता लगाओ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल और पुल की जो लंबाई उसको पार कर दो, क्रॉल स्ट्रोक
आप तैर जाओ स्ट्रोक का यूज करना, यानी कि क्रोल स्ट्रोक एक तैराकी का प्रकार होता है, उसको यूज करो, क्रोल स्ट्रोक तैर कर चले जाओ। आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर काम पूरा हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी सोच रहा था। इफ आई वुड बी टायर स्टिकन, क्या मुझे डर लग जाएगा। वैन आई वॉज अलोन इन द पूल, जब मैं तालाब के अंदर अकेला होगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, जो मैंने वो तालाब था उसको आगे और पीछे पूरा तैयार किया। टाइनी वेस्टेज, थोड़े थोड़े जो अंश थे ऑफ द ओल्ड टेर, पुराने डर के, वो रिटर्न, वो लौट आते। बट नाउ, लेकिन अब आई कुड फ्राउन, मैं बूहें तान सकता था। एंड सेड टू द टेरर, और उस डर को कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर इज टू यू, देखो तुम्हारा ये परिणाम होगा। लुक, देखो। एंड ऑफ, ऐसा कहे कि आई'ड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, मैं तालाब को पार कर देता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ऐसा चलता गया जुलाई तक। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं था दैट ऑल टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा डर चला गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, इसलिए मैं एक झील वेंटवर्थ के पास गया, वेंटवर्थ में गया, जो कि न्यू हैम्पशायर में थी। डाइव्ड ऑफ ए डॉक, डॉक से मैंने गोत लगाया। एट ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग आइलैंड्स के डेक पर से मैंने, डॉक पर से मैंने यानी कि गोत लगाया। एंड स्वैम, और तैर गया 2 miles, 2 मील तक अक्रॉस द लेक, झील के आर पार। टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, कहाँ तक? स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक। आई स्वैम द क्रॉल, मैंने तैराकी के कई तरीके यूज किए। क्रॉल किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया, एंड बैक स्ट्रोक किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार वो डर लौटा। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा अंदर किया। एंड सो नथिंग, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बट बॉटमलेस वाटर, सिवाय बॉटमलेस, बहुत गहरे पानी के, तली रहित पानी के। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, जो पुराना सेंसेशन था वो लौट आया, लेकिन छोटे रूप में। आई लाफ्ड, मैं हंसने लगा। एंड सेड, और कहा, वेल ठीक है मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचती हो? यू कैन डू टू मी, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? ये सुनकर इट फ्लैड, ये भाग गया। एंड आई स्वैम ओवर, मैं तैरता गया। येट आई हैड द रेजुअल डाउट, लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ बच्चे कुछ शक थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे ही मुझे पहला मौका मिला। आई हरीड वेस्ट, मैं तेजी से पश्चिम की तरफ गया। वेंट अप द टाइटन, मैं टाइटन के ऊपर गया। वहाँ से कॉनराड मीडोज के ऊपर गया। अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल, फिर मैं कॉनराड क्रीक ट्रेल के ऊपर गया। वहाँ से टू मीड ग्लेशियर, वहाँ से कहाँ गया, मीड ग्लेशियर के अंदर गया। एंड कैंप, वहाँ पर मैंने कैंप डाल दिया। इन द हाई मीडो, जो ऊँची चरागाहें थी। By the side of वार्म लेक, वार्म लेक के साइड में, तरफ में, यानी कि तट पर बसी हुई जो ऊँची ऊँची जो चरागाहें थी, वहाँ पर मैंने कैंप डाल दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड, मैंने कपड़े उतारे। एंड डाइव्ड इन टू द लेक, और झील के अंदर गोत लगाया। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और तैर कर मैं दूसरे किनारे पर चला गया। एंड बैक, और वहाँ से वापस आ गया। जस्ट एज डू कॉर्पन यूज टू डू, जैसे डू कॉर्पन किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी के मारे चिल्ला उठा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो गिलबर्ट पीक थी उसने मेरी गूंज लौटा दी। आई हैड कॉन्कर्ड, मैं जीत चुका था। माई फियर ऑफ वाटर, पानी के प्रति मेरा जो डर था उसे मैंने विजय पा ली। दिस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए गहरा मतलब था। एज ओनली दोज, सिवाय वो लोग, हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, जिन्हें पूरा डर होता है। एंड कॉन्कर्ड इट, और जो इस पर काबू पा चुके हैं, कैन अप्रिशिएट, वही इस डर की प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मौत में ही शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, डर होता है सिर्फ मौत के डर में। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर, वो सब चीज़ें जिनसे हमें डरना है, इज फियर इटसेल्फ, वो एक डर है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया था बोथ द सेंसेशन ऑफ डाई, मरने का रोमांस भी, एंड द टेरर, और वो डर भी, दैट फियर ऑफ इट, जो मौत का डर पैदा कर सकता है, कैन प्रोड्यूस द विल, जो इच्छा शक्ति थी टू लिव, जिंदा रहने की, सम हाउ
किसी ना किसी तरह से ग्लू बढ़ गई थी इन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मेरे अंदर, यानी कि जिंदर है ने की जो इच्छा शक्ति मेरे अंदर बढ़ गई थी उसने मौत का डर ख़त्म कर दिया। एट लास्ट आखिर में आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने अपने आप को आज़ाद महसूस किया, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, रास्तों पंगड़ने हुए पैदल आज़ाद चलने में एंड क्लाइम और चढ़ने में द पीक्स चोटियों पर एंड टू ब्रश असाइड फियर, और डर को छोड़ने में मैंने आज़ाद महसूस किया।